पर फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम एक और मॉडल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि काफी पॉपुलर मॉडल है ट्रैक्सस का। ट्रैक्सस स्लेज 1:8 स्केल मॉडल है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है और अब हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अब हम इसको फटाफट निकालते हैं बॉक्स से बाहर और आपको दिखाते हैं इसका ओवरऑल लुक और इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स। तो ये इसका है मैनुअल जो कि इसमें भी एक कनेक्टर आता है, एक व्हील पाना मिल जाता है आपको 17mm का और बेसिक आपको एलन सेट मिल जाते हैं और थोड़े से डिकॉल मिल जाते हैं और साथ में इसका मैनुअल आपको मिल जाता है। इसका ट्रैक्सस का मैनुअल है, ये इसका TQI सिस्टम वाला रेडियोज आता है इसमें। इसमें ABC कंट्रोल है, जायरो के थ्रू ये अपने आप अपनी स्टेयरिंग को कंट्रोल करता है जब आप ट्रैक करते हो। मॉडल उसकी वजह से काफी स्टेबल रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। और ये इसके स्टेयरिंग के कंट्रोल्स है, ये थ्रॉटल का कंट्रोल्स है, फॉरवर्ड रिवर्स ब्रेक, और ये नॉब्स है स्टेयरिंग के एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए। वो बेसिक आपको सेटअप करना है वो सबके लिए नॉब्स दिया हुआ है। एक बार आप मेन्यू देख लेंगे उसमें सब मालूम पड़ जाएगा। ये ऑन ऑफ स्विच है और 4AA बैटरी इसमें लगती है, 2.4GHz रेडियो के साथ में आता है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। संभाल के निकालना पड़ रहा है, इतनी खूबसूरत गाड़ी। हाँ ये मॉडल को तो दिल आ गया भाई मेरा। ओह तो ये 1:8 स्केल मॉडल है। ठीक है, और इसका भी जो हाइट है वो 7 इंच के आसपास है और उसकी जो विड्थ है वो 23 इंच के आसपास है। उसका विड्थ जो है वो 17-18 इंच के आसपास है। ठीक है, और फोम वाले टायर है मीडियम सॉफ्ट कंपाउंड के साथ में। तो इसका जो बॉडी है उसकी पेंट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेलिंग के साथ डिकॉल दिया हुआ है इसमें। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक के, अभी मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखाऊंगा इसके, इसके जो बॉडी के ऊपर ये ऊपर से जो इन्होंने प्लास्टिक कवर किया हुआ है, वो कभी आपकी बॉडी टॉपल होती है या डायरेक्ट उल्टी जाके गिरती है आपकी गाड़ी, तो ये जो आपका मॉडल है उसके ऊपर डायरेक्ट बॉडी के ऊपर आपके इम्पैक्ट नहीं आता है, स्पैसेस वगैरह नहीं आते, ये काफ़ी सेफ रखता है। इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी कूल फीचर्स लगा जो मतलब मुझे इनके सारे मॉडल में अच्छे लगते हैं, ट्रैक्सस के जितने भी मॉडल आते हैं उसके अंदर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इसमें इन्होंने इसमें भी कहीं पर भी क्लिपिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है बॉडी के ऊपर कि आप वो फोर क्लिप निकालो और फिर बॉडी को निकालो। ठीक है, जो कि क्रेटॉन वगैरह में क्लिपिंग सिस्टम दिया रहता है, हालांकि वो भी अच्छा है पर इसके अंदर वो एक एडवांस इन्होंने डाला हुआ है बॉडी निकालने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये साइड में ये ऐसा हमने नीचे से पुश किया और ये उठाया और है ये निकाल दिया बाहर बॉडी। ये मुझे काफ़ी कूल लगा इनका, मतलब ये जो इन्होंने इसके अंदर जो इनका टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, जो इन्होंने इनका मतलब डिज़ाइन में जो इन्होंने मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया भाई, ये चीज को लेके मैं काफी मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें रोल के अंदर इनके ट्रैक्सस के जितने भी मॉडल आते हैं उसके अंदर आप देखोगे हमेशा अंदर से एक रोल केज आपको मिलता है जो बॉडी को काफी होल्ड करके रखता है और जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो जल्दी से क्रैक नहीं होती है। मैं आपको वापस फिट करके दिखाता हूँ, आप देखो ये है, ये मैंने इसको यहाँ लेके गया, इसके अंदर ये मैंने इसको यहाँ पे लेके आया ये, और ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, बस ये बॉडी हो गई। मतलब ये मतलब काफी कूल मुझे लगा इसके अंदर में। और ओवरऑल मैं आपको एकदम फ्रेंकली बोलूं, ये जो इनका ट्रैक्सस का स्लेज मॉडल है
मतलब इनके बहुत सारे मॉडल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, मैंने अनबॉक्सिंग किया हुआ है, जो मेरे चैनल पे मैंने नहीं डाला है अभी तक। ये उन सब मॉडल से अलग है ये मॉडल, मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर में आपको मेटल चेसिस मिलती है हैवी एल्यूमिनियम की, जो कि बाकी सारे मॉडल्स में नहीं आते ट्रैक्सस के, आपको प्लास्टिक की चेसिस ही देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको हैवी एल्यूमिनियम की चेसिस मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे, मतलब इन्होंने मतलब ये एक आप बोल सकते हो कि मतलब एकदम जैसे या तो आप एकदम बोलते ना कि एकदम हार्ड बैशिंग वाला जो परफॉर्मेंस के लिए, जैसे हम आर्मा क्रेटॉन आप जैसे ले सकते हो, आर्मा का क्रेटॉन आप देखते ही हो कि उनका मतलब जो मॉडल है काफी फेमस है, ठीक है, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर ये मॉडल को हम देखते हैं ना, तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि आप आर्म्स देख सकते हो, आर्म्स लोअर आर्म्स को इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोअर आर्म्स है, ये इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, काफी हैवी नायलॉन मटेरियल का लग रहा है ये लोअर आर्म्स भी, ठीक है, और टायर मतलब काफी कूल लग रहा है इनका, मतलब काफी बोल सकते हैं कि मतलब, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा उठ के आ रहा है मॉडल, मतलब वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। और स्पॉइलर का आप डिजाइन जैसे देख सकते हो, मैं आपको इसको इसका जो डिजाइन है वो क्लोजअप में आपको दिखाऊंगा, आप खाली डिजाइन देखना उसको, बहुत कूल डिजाइन लगता है इसका। जैसे आप देख सकते हो ये इन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, ये यहाँ पे पूरा प्लास्टिक दिया हुआ है जो अंदर से काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है, इसको अंदर इन्होंने रोल केज डाला हुआ है पूरा, ठीक है, और ये अंदर से ये ऐसे इधर यहाँ पे नीचे के साइड में आप प्रेस करेंगे ना दोनों साइड से, तो बॉडी ऐसे ऊपर निकल जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया है वो एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल लुक आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको, इसका जो वेट है वो 6 kg के आसपास का वेट है विदाउट बैटरी, अगर आप बैटरी डालते हो तो 7.5 kg 8 kg के आसपास आपका वेट रहता है, और अगर उसका बॉडी निकलता है और आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाते हैं अंदर से, तो यहाँ पे दो क्लिपिंग सिस्टम है, ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऐसे ईजिली बाहर निकल आता है, काफ़ी कूल लगा मुझे। और स्पॉइलर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कूल है, मतलब कि बहुत दिखने में ऐसा अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड ये इनका बॉडी माउंट है प्लास्टिक का, जो मैंने आपको बोला ना क्लिप इसके अंदर में जाके ऐसे होल्ड हो जाती है, जब हम प्रेस करते हैं तो इसके अंदर में जाके वो क्लिप्स, ये जो क्लिप्स है इसके अंदर में प्रेस करते होल्ड हो जाता है, और जब हम नीचे से प्रेस करते हैं तो बॉडी ऊपर निकल जाती है। ये इनका साइड डस्ट कवर है, बाकी सारे मॉडल में मैंने देखा है कि इतना सा डस्ट कवर रहता है, पर इन्होंने पूरा लोअर आर्म को कवर किया हुआ है और काफ़ी ऊपर तक रखा हुआ है, जो ऊपर का टर्न बक्कल आता है ना, एडजस्टेबल टर्न बक्कल, उसको पूरा कवर कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब फ्रंट सॉरी रेयर में दोनों में दिया हुआ है। और ये इनका एडजस्टेबल है जो कि आप देख सकते हो, प्री ऑयल्ड सस्पेंशन है, एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया हुआ है, ठीक है, डैम्पनिंग भी काफ़ी अच्छी है, स्टिफ स्प्रिंग दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का पार्ट्स है सस्पेंशन का, ये मेटल का नहीं है, ये दिखने में इन्होंने ऐसा कलर किया हुआ है कि आपको लगे कि ये मेटल है या एल्यूमिनियम है, ये प्लास्टिक का दिया हुआ है, जल्दी से पॉप आउट हो जाता है, टूट जाता है, तो इन फ्यूचर अगर आपको अपग्रेड करना है तो ये आप अपग्रेड कर लेना। और शॉक टावर एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, हैवी एल्यूमिनियम है, ये ऊपर से प्लास्टिक कवर किया हुआ है, एंड ये आप जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर जो सेंटर में ये इसका चेसिस का सपोर्ट है, ये मतलब बहुत ही हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है, इससे क्या होता है काफ़ी डायरेक्ट आपके नोज़ पे मॉडल नोज़ डाउन हो रहा है, कभी बैक डाउन हो रहा है, और डायरेक्ट इम्पैक्ट जब पड़ता है बम्पर पे तो उससे क्या होता है आपकी चेसिस बैंड नहीं होती है, टिल्ट नहीं होती है, ये उसको काफ़ी होल्ड करके रखता है। इसमें जो ब्रेस दिया हुआ है चेसिस ब्रेस वो प्लास्टिक का दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी मतलब बिल्ड क्वालिटी और जो उसका लाइक सेटअप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि जनरली बहुत सारे मॉडल में ब्रेस प्लास्टिक का तो देते ही है, इनके मॉडल में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो देखो ना आप, इन्होंने यहाँ पे भी होल्ड किया हुआ है चेसिस को, ये प्लास्टिक से यहाँ पे भी होल्ड किया हुआ है, ये भी सेंटर में दिया हुआ है, तो मतलब कि इन्होंने इतना मतलब अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इनके ये मॉडल के अंदर में कि आप कितना भी हार्ड बैशिंग करो
चेसिस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है आपके। और इसके अंदर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इसमें जो आईडी कनेक्टर है उसमें इन्होंने जैसे आर्मा में आपको एक इसका जो आईडी कनेक्टर कैप मिलता है वो इनके मैनुअल में दिया हुआ है, मतलब इनके मैनुअल के जो बैग्स है उसके अंदर में दिए हुए हैं। तो कभी अगर आपको सिंगल बैटरी कनेक्ट करनी है इसके अंदर में, लाइक 2S 2S की दो नहीं कनेक्ट करनी है, 3S 3S की दो नहीं कनेक्ट करनी है, आपको डायरेक्ट 4S लगाना है एक बैटरी, डायरेक्ट 6S लगाना है एक बैटरी, तो एक कनेक्टर को आप लॉक करके एक कनेक्टर से आप बैटरी को यूज़ कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, अगर आप दो दो बैटरी लगाते हो 3S 3S की और 2S 2S की तो वो भी ऑप्शन है, और सिंगल बैटरीज लगाते हो डायरेक्ट 4S 6S तो वो भी एक अच्छा है जो इन्होंने इनके बैग में कनेक्टर दिया हुआ है, जो पहले नहीं आता था पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये इनका रिसीवर बॉक्स है, फुली वाटरप्रूफ रिसीवर बॉक्स है, एंड VXL ESC आता है वो भी पूरी फुली वाटरप्रूफ ESC है। ये इनका पावर स्विच ऑफ ऑन बटन है, एंड ये इनका मोटर है। और इसके अंदर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इनके ये मॉडल के अंदर में स्लिपर क्लच नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंशियल गियर दिया हुआ है, ठीक है, और 23 टीथ के साथ में पिनियन गियर के साथ में ये आता है। एंड इसके अंदर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो बैटरी का जो साइज़ है, मतलब बैटरी जब आप यहाँ पे अंदर लाइक 2S या 6S कोई भी बैटरी लगाते हो, जनरली जो इनके पहले के मॉडल आते थे उसमें अगर थोड़ी सी हैवी बैटरी हो जाती थी तो फिट नहीं होता था प्रॉपरली, तो उसका जो ये कंपाउंड होता था, ये जो स्पेस होता था वो काफ़ी कम रहता था। इसके अंदर में इन्होंने स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है, और ये बैटरी को हीले नहीं करके मूव नहीं करे तो इन्होंने ये होल्ड करने के लिए एक फोम भी अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका, ठीक है। और ये अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि इसमें भी इन्होंने डिजिटल का हैवी टॉक का सर्वो दिया हुआ है, और इनके इस मॉडल के अंदर में पर्टिकुलर इसके अंदर जो सर्वो हॉर्न दिया हुआ है वो इन्होंने एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, और जो स्टेयरिंग भी है वो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का दिया हुआ है, एंड टर्न बक्कल एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, ना तो आपको कैम्बर ना तो टो टर्न बक्कल आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। पर एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी मिलेगी इसमें कि इसके अंदर जो लोअर आर्म है वो लोअर आर्म को इन्होंने मतलब एक हैवी मटेरियल के साथ में तो दिया ही है, उसको अच्छे से कवर किया हुआ। आप देखो यहाँ पे एलन के थ्रू इन्होंने पूरा एक प्लास्टिक कवर किया हुआ है, जो रेसिंग मॉडल आते हैं लाइक बग्गीज वगैरह के अंदर में उसके अंदर में ऐसा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि इसमें पहली बार मुझे मिला है देखने के लिए। और नकेल हब वगैरह भी सब प्लास्टिक का दिया हुआ है, एंड एल्यूमिनियम नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी है प्लास्टिक की, मतलब काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया हुआ है। आपको ड्राइव शाफ्ट इसमें यूनिवर्सल मिल जाते हैं, फ्रंट में भी रेयर में भी एंड सेंटर में भी आपको यूनिवर्सल ड्राइव शाफ्ट मिल जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर एक चीज़ और है कि जितने भी यूनिवर्सल ड्राइव शाफ्ट आपको मिलते हैं वो प्रॉपर रेयर में भी कवर के साथ आपको मिलते हैं, तो जिसकी वजह से डस्ट वगैरह आपके बैरिंग में नहीं जाता है, जिसकी वजह से बैरिंग वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होती है। और फ्रंट बम्पर की भी बात कर लेते हैं, जैसे फ्रंट बम्पर आपने देखा ये दिया हुआ है यहाँ पे बॉडी लॉक करने के लिए, ये एक होल सा है, और नीचे इसके एल्यूमिनियम शॉक टावर दिया हुआ है, कि ऊपर से प्लास्टिक कवर दिया हुआ है बॉडी होल्ड करने के लिए, जो कि बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और आगे भी आपको प्री ऑयल्ड सस्पेंशन मिल जाते हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन है रेयर में जो है, वही फ्रंट में भी है, बस रेयर का सस्पेंशन थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू फ्रंट के। और हिंज प्लेट वगैरह इसमें आपको मेटल मिल जाती है, अच्छा बम्पर मिल जाता है, एंड एल्यूमिनियम की चेसिस आपको मिल जाती है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें जो गियर्स भी आते हैं, सेंटर डिफरेंशियल गियर इसके अंदर जो आता है, इसका जो स्पर गियर आता है वो मेटल गियर के साथ में आता है, नॉर्मल प्लास्टिक गियर के साथ में नहीं आता है, जो कि बाकी सारे मॉडल के प्लास्टिक गियर के साथ में आते हैं, आपको आफ्टर मार्केट अपग्रेड करना पड़ता है, जो कि इसमें इन्होंने इनबिल्ट दिया हुआ है। तो ओवरऑल मॉडल काफ़ी अच्छा है इनका, ये मतलब ये मॉडल मुझे मतलब ट्रैक्सस में वन ऑफ द बेस्ट मॉडल लगता है इनका। और इसके जो टायर वायर भी है, उसका आप रिम वगैरह देखो, 17mm हेक्सनट के साथ में आता है, और काफ़ी मतलब जो ट्रैक्शन वगैरह के लिए जो इन्होंने थ्रेड दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी लग रहा है टायर का भी, और एक अच्छे रिम के साथ में आता है, जो रिम की डिज़ाइन आप देखो काफ़ी मतलब दिखने में काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा लगता है। सस्पेंशन का डैम्पनिंग काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ट्रैक्सस के अंदर में ये ट्रैक्सस स्लेज एक ऐसा मॉडल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। अगर मैं किसी को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर उसको ट्रकी में जाना है और उसका बजट अच्छा है तो वो ये मॉडल ले, और मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये मॉडल।
और बाकी आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं इसका बहुत जल्दी ट्रैक्सेस स्लेज का और आर्मा क्रेटॉन का जो कंपैरिजन वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ मेरे चैनल पे। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।